कथा सुनाऊं दुर्गे मैया और मैया काली की। ध्यान लगा कर सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। कथा सुनाऊं दुर्गे मैया और मैया काली की। ध्यान लगा कर सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। ध्यान लगा के सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। जब जब धरती पे भार पड़ा है, जब जब धरती पे, जब जब धरती पे भार पड़ा है, मैया ने अवतार लिया। कभी काली बन कभी दुर्गे बनकर दुष्टों का संहार किया। कभी काली बन कभी दुर्गे बनकर दुष्टों का संहार किया। सतयुग कलयुग त्रेता है द्वापर, सतयुग कलयुग त्रेता द्वापर, सभी युगों में सहायी थी। ध्यान लगा कर सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। ध्यान लगा के सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। दुर्गे हो या काली मैया, दुर्गे हो या, दुर्गे हो या काली मैया, दोनों तो बस एक हैं। भक्तन की वो जगदम्बा है, दुष्टों के लिए अनेक हैं। भक्तन की वो जगदम्बा है, दुष्टों के लिए अनेक हैं। मैं नहीं कहता वेद पुराण, मैं नहीं कहता वेद पुराण, गाथा उनकी गाई थी। ध्यान लगा कर सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। ध्यान लगा के सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। मेरे प्यारे श्रोतागण, ये कथा उस समय की है जब पृथ्वीवासी सुख चैन से रह रहे थे। उसे किसी प्रकार का भय नहीं था, वो निर्भय होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। चारों तरफ शांत का माहौल था। तब महिषासुर का जन्म हुआ। महिषासुर के जन्म होने से सभी देवलोक चिंतित हो उठे। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर अपने को सर्वशक्तिमान व भगवान समझ बैठे और घमंड में चूर होकर नाना प्रकार के अत्याचार करने लगे। महिषासुर का जन्म होते ही, महिषासुर का जन्म होते ही जग में हाहाकार मचा। इतने दिन सब शांत थे बैठे, अब तो अत्याचार बढ़ा। इतने दिन सब शांत थे बैठे, अब तो अत्याचार बढ़ा। डर से थर थर कांपन लागे, डर से थर थर कांपन लागे, सभी देव नर नारी सी। ध्यान लगा कर सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। ध्यान लगा के सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। महिषासुर सब देवों को हराकर इंद्र का इंद्रासन छीन लिया और सबको शक्तिहीन करके स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया। स्वर्ग छोड़ कर निकल पड़े सब, स्वर्ग छोड़ कर निकल पड़े सब, अपने ही इस हार से। दर दर ठोकर खाने लगे असुरों के अत्याचार से, दर दर ठोकर खाने लगे असुरों के अत्याचार से। अब तो कोई उपाय न सूझे,
को कोई उपाय न सूझे असुरों को हराने की। ध्यान लगा कर सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। ध्यान लगा के सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। महिषासुर को वरदान था कि उसे कुमारी कन्या के अलावा दुनिया में कोई नहीं मार सकता, इसलिए उन्होंने कुमारी कन्याओं की हत्या करने लगा। डर के मारे छुप गई कन्या, डर के मारे छुप गई कन्या, अपने घर में बंद हुए। घर से निकाल कर इन दुष्टों ने उन कन्याओं का वध किए। घर से निकाल कर इन दुष्टों ने उन कन्याओं का वध किए। आज कल में जो जन्मे बच्चे, आज कल में जो जन्मे बच्चे, अपने माँ की दुलारी थी। ध्यान लगा कर सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। ध्यान लगा के सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। उनके अत्याचार से तंग आकर माँ शक्ति ने दुर्गा रूप में अवतार लिया। दुर्गा माँ को सब देवों ने मिलकर अस्त्र शस्त्र प्रदान किए तथा अपनी अपनी शक्ति भी प्रदान की। उसके बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर पर चढ़ाई कर दिया। माँ दुर्गा और महिषासुर में, माँ दुर्गा और महिषासुर में खूब घमासान युद्ध हुआ। अंत में उन दुष्टों को माँ ने बड़ी चपलता से वध किया। अंत में उन दुष्टों को माँ ने बड़ी चपलता से युद्ध किया। जग के कल्याण करने हेतु, जग के कल्याण करने हेतु दुर्गे रूप में आई थी। ध्यान लगा कर सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। ध्यान लगा के सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। महिषासुर के वध के बाद शुभ निशुभ का जन्म हुआ। वे दोनों भी ब्रह्मा जी से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दोनों ऐसी चीज की इच्छा न करना जो तुम्हें प्राप्त न हो सके, नहीं तो वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। वे दोनों सोच लिया कि हम कोई भी ऐसी चीज की इच्छा नहीं करेंगे जो मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। तू मुझे इस दुनिया में कोई नहीं मार सकेगा। वो निर्भय होकर अत्याचार करने लगे, स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। सब देवता लोग माँ दुर्गा के पास जाकर विनती करने लगे, हे माँ, तूने महिषासुर के वध के उपरांत ये कहा था कि हे देवो, जब कभी कभी तुम लोगों पर आपत्ति आवे तो मुझे याद कर लेना, मैं उसका निवारण करूँगी। मेरा जन्म दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ है। अब हे माते, हम लोगों पर कृपा कीजिए, शुंभ निशुंभ के अत्याचार से बचाओ। माता ने कहा, अब तुम लोग चिंता मत करो, अब मैं उन दुष्टों का नाश करने के लिए जा रही हूँ। शेर पे सवार होके शेरावाली, शेरावाली उनके राज्य में आ गए। गंधमार्दन पर्वत के निकट माँ आसन अपना जमा दिए। गंधमार्दन पर्वत के निकट माँ आसन अपना जमा दिए। धूमलोचन ने माँ को देखा, धूमलोचन ने माँ को देखा, पवन का थर्राई हिसी। ध्यान लगा कर सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। ध्यान लगा के सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। माता के सुंदर रूप को देखकर
धूम्रलोचन बोले, हे सुंदरी, तुम जैसी सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम हमारे सम्राट शुंभ से शादी कर लो, उन जैसा बलवान इस धरती पर कोई नहीं है। तब माता ने हंसकर कहा, जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उन्हीं से शादी करूंगी, ये हमारी प्रतिज्ञा है। तब धूम्रलोचन ने कहा, ये संदेश मैं अपने मालिक से जाकर अभी कहता हूँ। संदेशा को सुनते ही शुंभ, संदेशा को सुनते ही शुंभ अपने रथ पे सवार हुए। धूम्रलोचन को भी साथ में लेकर चलने को तैयार हुए, धूम्रलोचन को भी साथ में लेकर चलने को तैयार हुए। दूर से देखा सुंदरी को तो, सर उसका चकराई थी। ध्यान लगा कर सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। ध्यान लगा के सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। शुंभ ने कहा, ये भोली भाली लड़की हमसे क्या जीतेगी, इन सुंदरी को तो अभी हरा कर हम अपने घर ले चलेंगे। तब धूम्रलोचन बोले, नहीं महाराज, आपका गुरु महाराज शुक्राचार्य ने कहा था, यदि कोई अजनबी इस राज्य में आए तो हमसे एक बार विचार विमर्श करके ही कोई कदम उठाना। शुंभ ने कहा, ठीक है, गुरुजी से भेंट कर लेते हैं, लेकिन शादी तो मैं इसी सुंदरी से करूंगा, ये मेरा प्रण है। जब ये दोनों गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचे तो गुरु शुक्राचार्य वहां पर नहीं थे। तब तक गुरु बृहस्पति ने शुक्राचार्य का रूप धरकर बोले, यदि तुम उस सुंदरी से शादी करना चाहते हो तो अति उत्तम, ये गुरु का वचन है, तुम उससे शादी कर लो, उसे युद्ध में हरा दो और उससे शादी कर लो, जिनसे राक्षस कुल में संतान की उत्पत्ति होगी। हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम सब जाओ और युद्ध की तैयारी करो। खुशी के मारे उछल पड़े वो, खुशी के मारे उछल पड़े वो अपने रथ पे सवार हुए। अबला नारी जान करके युद्ध करने को तैयार हुए, अबला नारी जान करके युद्ध करने को तैयार हुए। मुझ सा बलवंत कोई न जग में, क्या जीतेगी नारी सी। ध्यान लगा कर सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। ध्यान लगा के सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। उसके बाद धूम्रलोचन ने कहा, महाराज आप अभी मत जाइए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं अभी उस सुंदरी को युद्ध में हरा कर आपके समीप ले आता हूँ, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। धूम्रलोचन वहां से चलकर माँ दुर्गा के पास पहुंचे। धूम्रलोचन ने कहा वो सुंदरी मेरा कहना मान लो, उनके जैसा कोई न जग में, तुम उनको पहचान लो, उनके जैसा कोई न जग में, तुम उनको पहचान लो, शादी करके दुनिया बसा लो, शादी करके दुनिया बसा लो, इसी में है चतुराई हिसी। ध्यान लगा कर सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। ध्यान लगा के सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। माँ दुर्गा ने कहा, तुम जान बचा कर यहाँ से चले जाओ और अपने मालिक को भेजो। इसी बात पर धूम्रलोचन माता से युद्ध करने लगा। माँ दुर्गा ने उन्हें अग्नि में जलाकर हवा में उछाल दिया। वे शुंभ के आगे
धरती पर जाकर गिरा। शुंभ ने कहा, उस हरि में इतना दम जो धूम्रलोचन जैसे बलवान को इस प्रकार मारा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसको युद्ध में हराकर शादी करूँगा अथवा उसकी कत्ल कर दूंगा। तब चंडमुंड ने कहा, नहीं महाराज, हम दोनों को जाने की आज्ञा दीजिए, उसे मैं हराकर आपके चरणों में उपस्थित करूंगा। वे दोनों वहां से चल दिए। तब माँ दुर्गा ने काली माँ को प्रकट किया और उनसे कहा, तुम चंडमुंड का रास्ता रोको और उन दोनों का सिर काट करके अपने गले का मुंडमाल बना लो। माँ काली ने बिल्कुल ऐसा ही किया। माँ दुर्गा के पास पहुंची। माँ दुर्गा ने कहा, आज से आपको लोग चामुंडा देवी के नाम से भी जानेंगे। चंडमुंड के मरने के बाद रक्तबीज वहां से चल पड़े। वो नरसंहार करते हुए आ रहे थे। माता काली वहीं पे उसी रास्ते पे खड़ी थी। उन दोनों में युद्ध होने लगा। रक्तबीज से लड़ने लगी माँ, रक्तबीज से लड़ने लगी माँ, दोनों में खूब युद्ध हुआ। रक्तबीज को लगी कटार, खून धरती पर गिर गया। रक्तबीज को लगी कटार, खून धरती पर गिर गया। कितने रक्तबीज पैदा होंगे, रक्तबीज पैदा होंगे, माँ काली नहीं जानी थी। ध्यान लगा कर सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। ध्यान लगा के सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। माता काली क्रोध में आग बबूला होकर कत्ल करने लगी, जिससे अशंक रक्तबीज पैदा होने लगे। यह देखकर देव लोग माँ दुर्गा के पास पहुंचे और सारा हाल कह सुनाया। माँ दुर्गा वहां से तुरंत चल पड़ी और माँ काली के पास पहुंची। उन्होंने माँ काली से कही, तुम खप्पर में दैत्यों का खून भर भर कर पीती जाओ और मैं उन सब का कत्ल करती हूँ। ध्यान रहे, एक भी खून का बूंद धरती पर न गिरने पाए। वे दोनों बिल्कुल वैसा ही किया। ऐसा करने से रक्तबीज मारा गया। रक्तबीज के मरने के बाद शुंभ और निशुंभ दोनों भाई सेना लेकर युद्ध करने के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्होंने माँ काली को खड़ी देखी। शुंभ ने कहा, अरे ये तो वो स्त्री नहीं है जिससे मैं शादी करना चाहता था, मुझे तो उस सुंदरी से युद्ध करना है। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, तुम सब इस स्त्री से युद्ध करो और हम दोनों भाई उस स्त्री के पास जाता हूँ युद्ध करने के लिए। वे दोनों भाई उधर को चल पड़े। इधर सेनापति और माँ काली में युद्ध होने लगा। सेनापति और सारी सेना माँ काली से लड़ने लगे। वे दोनों भय माँ दुर्गा से युद्ध करने को चल पड़े। वे दोनों भय माँ दुर्गा से युद्ध करने को चल पड़े। सेनापति और सारी सेना माँ काली ने मारी थी। ध्यान लगा कर सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। ध्यान लगा के सुनो रे भक्तो, कथा है अजब निराली सी। उधर शुंभ निशुंभ और माँ दुर्गा में घमासान युद्ध होने लगा। शुंभ निशुंभ और माँ दुर्गा में
खूब घमासान युद्ध हुआ, दोनों भाई को मार गिराई, माँ दुर्गा ने कत्ल किया। दोनों भाई को मार गिराई, माँ दुर्गा ने कत्ल किया। सब देवतागण खुश हो कर, सब देवतागण खुश हो कर, फूलों की वहाँ वर्षा की। ध्यान लगा कर सुनो रे भक्तों, कथा है अजब निराली सी। ध्यान लगा के सुनो रे भक्तों, कथा है अजब निराली सी।